हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो यार आज मेरे पास आप सबके लिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। तो यार काफी टाइम से हाइप बनी हुई थी कि PMGC का क्वालिफिकेशन मेथड क्या होगा, कौन सी टीम्स क्वालिफाई करेंगी, पाकिस्तान की अलग से स्लॉट होगी, साउथ एशिया की होगी नहीं होगी, क्या सीन होगा वगैरह वगैरह। तो यार PMGC का जो क्वालिफिकेशन मेथड है वो अनाउंस हो चुका है और उसमें साउथ एशिया को तकरीबन 6 स्लॉट दी गई है। तो यार स्लॉट की डिस्ट्रीब्यूशन का ये सीन है कि एक स्लॉट PMPL पाकिस्तान को भी दी गई है, जिससे हमें एक टीम पाकिस्तान की तरफ से भी खेलती हुई दिखाई देगी। अगर 5 टीम जो है उनमें से 2 टीम जो है वो साउथ एशिया के PMPL से क्वालिफाई करेंगी और रिमेनिंग 3 स्लॉट PMPL साउथ एशिया चैंपियनशिप की जो टॉप 3 टीम्स होंगी उनको मिलेंगी। अगर पाकिस्तान की PMGC में स्लॉट के रिलेटेड बात करें तो PMPL स्प्रिंग के फाइनल्स और उनके लीग स्टेज है, इसी के साथ साथ PMPL फॉल और उसके फाइनल्स और उसके लीग स्टेज के पॉइंट्स को कंबाइन किया जाएगा और उसके बाद जो टीम टॉपर होगी वो हमें PMGC में खेलती हुई पाकिस्तान की स्लॉट की तरफ से दिखाई देगी। अगर अभी देखा जाए तो IIT स्पोर्ट 1270 पॉइंट के साथ टॉप पर है, जबकि सेकंड पे MGS स्पोर्ट्स और थर्ड पे टीम टफ मौजूद है। अगर PMPL फॉल का एक वीक रहता है और PMPL फॉल के फाइनल्स भी रहते हैं तो देखते हैं कि हमें कौन सी टीम टॉप पर दिखाई देती है। अगर 95% चांस तो यही है कि IIT स्पोर्ट्स ही हमें PMGC में खेलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यार इतने पॉइंट्स कवर करना इम्पॉसिबल है। अगर उसके बावजूद भी PUBG है यार, कुछ कह नहीं सकते। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके रिलेटेड आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यार इसी के साथ साथ रिसेंटली क्रिप्टो भी अपनी लाइव स्ट्रीम में IIT स्पोर्ट्स की PMGC में क्वालिफिकेशन के रिलेटेड बात करते हैं, तो क्रिप्टो की स्ट्रीम का भी वो पार्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। Crypto, in case you will didn't qualify for PMGC, will you join IIT for PMGC if they invite? यार अगर IIT qualify करती है PMGC की तो वो invite किसी को नहीं देगी। यार PMGC qualify करना बहुत easy है पाकिस्तान region से especially, because अब उनके पास PMPL IIT के लिए तो easy, obviously IIT तो qualify कर जाएगी PMGC के लिए। उसके बाद फिर IIT को एक प्रॉपर 4 लाइनअप के साथ खेलना है और जो अभी जिसके साथ अभी खेल रही है उसी लाइनअप के साथ खेलना है और अभी से ले के PMGC तक सेम लाइनअप रखनी है और उसी लाइनअप से ग्राइंड करनी है ताकि PMGC अच्छा जाए। इसलिए आई डोंट थिंक सो आई विल जॉइन IIT फॉर PMGC। क्या कह सकते हैं? अगर UL PMGC नहीं गई विल यू लीव? अगर UL PMGC नहीं गई विल आई लीव? नो, पर अगर UL बहुत बुरा खेलती है देन मे बी, बहुत बुरा। तो यार देखते हैं कि क्रिप्टो हमें IIT में दोबारा आते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। बकाया आज के लिए मेरे पास आप सबके लिए सिर्फ इतनी न्यूज़ थी, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।